कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी। मुजफ्फरपुर में 447 बड़े सिलेंडर, 337 छोटे सिलेंडर की हुई व्यवस्था। 261 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए गए। मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर सिलेंडर ब्लास्ट केस की शिकायत। मीनापुर में गैस रिसाव से आग लगने से चारों की हुई थी मौत। अधिवक्ता ने गैस कंपनी के खिलाफ शिकायत की। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग। 17 साल बाद सरकारी राशि गबन मामले में जारी मुजफ्फरपुर पुलिस गबन मामले में तत्कालीन ब्रांच मैनेजर समेत 2 पर चार्जशीट, ग्राहकों की तस्वीर और फर्जी अंगूठे का निशान लगाकर पैसा निकासी की थी। मुजफ्फरपुर में थाने पर आत्मदाह करने पहुंची महिला पुलिसकर्मियों ने हाथ से पेट्रोल भरा डब्बा छीना। पति समेत ससुराल वालों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। बालू मामले में ईओयू की छापेमारी। आईपीएस राकेश दुबे के पटना स्थित घर और फ्लैट पर पहुंची टीम। झारखंड के जसीडीह वाले घर और होटल में भी होगी कार्रवाई। आरजेडी कार्यकर्ताओं को मजबूत और अनुशासित बनाएगी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सबसे निचले स्तर की इकाई को पाठ पढ़ाएंगे विशेषज्ञ। बूथ स्तर पर पार्टी को खड़ा करना मकसद। बाढ़ ने तोड़ी पटना की 165 सड़कें। 3 लाख लोगों की जिंदगी हुई पानी। 5,361 लोगों को कर दिया बेघर। प्रशासन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तेज प्रताप ने छोड़ा लालटेन और आरजेडी का नाम। छात्र जनशक्ति परिषद हाथ में लालटेन का चिन्ह बदलेगा। लेटर पैड पर आरजेडी भी नहीं लिखेगा। तेज प्रताप ने 24 घंटे पहले जारी किया था। बिहार में इंजीनियरों का सम्मान। कोरोना काल में जब बढ़ रहा था संक्रमण का खतरा तब इंजीनियरों ने बांधों को टूटने से बचाकर हजारों लोगों की जान बचाई। बिहार में कालाजार पर वार। बालू मक्खी पर एक्शन से कम हुआ कालाजार। 2014 में 8,028 मरीजों पर कालाजार ने किया था असर। 2021 में राज्य में अब 644 संक्रमित। 4 अक्टूबर को बिहार विधान परिषद का उपचुनाव। तनवीर अख्तर के निधन से खाली हुई सीट पर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। 5 बजे से मतगणना। कोरोना से टीवी संक्रमितों की जान पसंदकर तीसरी लहर के पहले टीवी वालों की तलाश करेगी सरकार। 9 नवंबर तक रोगियों को ढूंढ कर किया जाएगा इलाज। चलेगा ऑपरेशन सर्च फॉर टीवी। IGIMS में नर्सों की हड़ताल पर 10 सितंबर तक नहीं मिली अगस्त की सैलरी। अल्टीमेटम के बाद भी नहीं हुई व्यवस्था। आक्रोशित होकर चली गई हड़ताल पर। बघा में सड़क हादसे में एक की मौत। भैरोगंज में से देर रात अपने घर जा रहे थे 2 युवक। अंधेरे में खड़ी ट्रैक्टर दिखाई नहीं दी। चक्कर लगने से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शादी के 20 साल बाद महिला प्रेमी संग फरार। मुजफ्फरपुर में अपने से 10 साल छोटे युवक से महिला को हुआ प्यार। आधार कार्ड बनवाने का बहाना कर तीनों बच्चों के साथ भाग गयी। पटना में 71 वर्ग फीट का सैंड आर्ट। भगवा बंडी में दिखेंगे पीएम मोदी के घर। तभी जन जन पर दिखेगा सैंड आर्ट। बीजेपी कार्यालय में कला संस्कृति मंच ने तैयार किया। बिहार में अब तक 4,63,00,000 लोगों ने लगवाया टीका। पीएम के जन जन पर भरेगा वैक्सीन। 2 डोज के बीच का गैप 4,63,00,000 वैक्सीनेशन में 3 करोड़ ने पहली बार 82 लाख ने लगवाई दूसरी डोज। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। पर घरे में पटना पुलिस रूपेश सिंह मर्डर केस में जिस युवक को 3 दिन तक हिरासत में रखा था उसके बजट 5 लाख मुआवजे का मांग कर रहे। अस्पताल में टॉर्च जलाकर काम करते दिखे मंत्री जी। सहरसा सदर अस्पताल में बेड पर नहीं दिखा चादर तो मंत्री जीवेश मिश्रा बिखरे। फाइल पढ़ने गए तो गुल हो गयी बिजली। दिल्ली रवाना हुई सीआरपीएफ की साइकिल रैली टीम। असम के जोरहट से निकली है रैली। आज मुजफ्फरपुर पहुंची। पटना होते हुए 2 अक्टूबर को पहुंचेगी राजघाट। अस्पताल ने की थी बिजली मीटर की बाईपास सर्जरी। कितना भी बिजली किया जाए खर्च हर माह बिल होता था पूरी तरह से। डॉक्टर ने लगाए जेई और एसडीओ पर आरोप। विभाग के साथ डॉक्टर ने भी किया सबूत का दावा। गया में चोरों ने उड़ाए लाखों रुपए की ज्वेलरी। चोरों ने ज्वेलरी दुकान से चुराए लाखों रुपए के जेवरात। नहीं टूटा सेफ बच गए भारी गहने। 8 महीने में 2 बार चोरी। बक्सर में आग लगने से 6 लोग झुलसे। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर करने लगा लीक। जब तक आसपास के लोग पहुंचे 2 साल के मासूम सहित 6 लोग झुलसे। शिवहर बाढ़ प्रभावितों को लेकर प्रभारी मंत्री ने दिए कई निर्देश। बाढ़ सहित अन्य आपदाओं से प्रभावित फसल क्षति का किया गया आकलन। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने लिया जायजा। छपरा में हादसा युवक की मौत। हाईवे पर टैंकर और ट्रक में भिड़ंत। टैंकर अनियंत्रित होकर साइकिल सवार पर पलटा। दबने से जान गई। विरोध में हंगामा। गया में 17 सितंबर को 3 लाख को लगेगा टीका। अब तक 15 लाख लोगों को लगा है कोरोना टीका। 100% वैक्सीनेशन के लिए हर ब्लॉक में 40 से 50 केंद्र बनेगा। बिहार में फिर हैरान करने वाला मामला। कटिहार के 2 छात्रों के बैंक अकाउंट में आ गए 911 करोड़। अब यहाँ के गाँव में हर कोई चेक करा रहा अपना खाता।
फुलवारी शरीफ के 3 गांव में मातम का माहौल। झारखंड के रामगढ़ कार हादसे में 1 गांव के 2 दोस्त जिंदा जले, दोनों अपने पीछे छोड़ गए छोटे छोटे बच्चे। भाजपा MLC ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा यहां तो दुर्भाग्यपूर्ण है, शिक्षा का बजट 38,000 करोड़ से भी अधिक, लेकिन BSEB के 38% स्टूडेंट्स का भी एडमिशन TU में नहीं। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने बीती रात लूटपाट के दौरान एक स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MU ZNews और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।